हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं साधो पुल और आप मेरे पीछे नदी को बहते हुए देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है और अगर यहाँ पे आप कैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवर वैली के कैंप मिल जाते हैं। ये जितने भी आपको हट दिख रही हैं ये सारी की सारी रिवर वैली की प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर इनकी रेंट की बात की जाए तो पीछे जो आपको हट दिख रही हैं इन हट के लिए आपको 1500 रुपये पर डे पे करने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीछे वो जो रूम्स बने हुए देख रहे हैं लकड़ी के, उनके लिए आपको 2000 रुपये पे करने पड़ते हैं। अगर आप वीकेंड में आते हैं ये रेट तब के हैं, अगर आप बाकी डेज में आते हैं तो इनके प्राइस थोड़े घट जाते हैं। बाकी आप बार्गेन कर सकते हैं, आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर मैटर करता है कि आपको ये रूम कितने में मिल जाए। लेकिन फिर भी हट जो है छोटी वाली वो कम से कम आपको 1000 रुपये में मिलेगी और रूम कम से कम आपको 1500 रुपये में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं नदी का कितना खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और पहले नदी में आप कुर्सी टेबल को पड़े हुए देख सकते थे, लेकिन अब इनके ऊपर रोक लगा दी गई है क्योंकि लोग कुछ ज़्यादा ही गंदगी मचाते थे। इसकी वजह से प्रशासन ने इन सब चीज़ों के ऊपर सख्त रूप से रोक लगा दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ का नज़ारा कितना बेहतरीन नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ की आप हट वगैरह देख सकते हैं कितनी सुंदर ये हट बनाई गई हैं और यहाँ पे आपको रुकने का अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ ही साथ खाने पीने की बात की जाए तो इस रिवर वैली में आपको खाने पीने की भी बेहतरीन सुविधा मिल जाती है। अगर प्राइस की बात की जाए तो मैंने आप पनीर पराठा खाया है उसके लिए मैंने 60 रुपीज़ पे किए हैं और चाय के लिए मैंने 20 रुपीज़ पे किए हैं। तो कुल मिला के बेहतरीन जगह है, आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप पार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर भी पार्किंग की सुविधा बनाई है, जहाँ आपकी मर्जी है आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अब हम आपको रूम्स दिखाएंगे किस तरह के यहाँ पे हमें रूम देखने के लिए मिलते हैं। आज हम अमृत जी का रूम देखेंगे, इन्होंने इस रूम को हायर किया हुआ है। अब रात को यहीं रुके थे आप? अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों कितनी शानदार लोकेशन है और यहाँ पे आपको प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा मिलने वाला है। पार्किंग की भी अच्छी सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब हम सामने वाले कोटेज में जाएंगे जो कि इन भाई लोगों ने लिया हुआ है। कितने रुपए पे किए हैं भैया? तो हमें 1000 लेते हैं। अभी 1000 है वैसे पर रूम का, पर हट। और पर ये जो थोड़े अच्छे से रूम बने हुए हैं इनका, आई थिंक इसके भी सेम ही रेट है। अच्छा, इनका ही सेम है? सेम ही। अच्छा, डिट्टो है बिल्कुल। जी जी। अच्छा, ये वाला है ना? अब हम भाई लोगों का एक बार रूम देख लेते हैं किस तरह का रूम है। अच्छा, डबल बेड पड़ा हुआ है इसके अंदर? है यही है ना? यही है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं नीचे कारपेट भी बिछी हुई है, एक कंबल बिछाया हुआ, कारपेट बिछाई हुई है और इस तरह का डबल बेड रूम है और पूरा लकड़ी का इसके अंदर काम हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर इसमें टॉयलेट बाथरूम की बात की जाए तो अंदर भी टॉयलेट बाथरूम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम की भी यहाँ पे प्रॉपर सुविधा है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कोटेज के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। इस तरह का दोस्तों यहाँ पे कोटेज हमें मिल जाता है। अच्छा, चार्जिंग वार्जिंग सब है? सुविधा तो बढ़िया है, पानी की समस्या है बस। पानी की समस्या है? अच्छा, पानी की समस्या तो ये जेन्युइन समस्या है, पानी की अभी से नहीं खैर, पानी तो दुनिया भर का है यहाँ पे। लेकिन ये पीने वीने पानी की, पीने का पानी तो मिल जाता होगा ना? पीने का पानी की बॉटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, बट जो है ना वो दूसरी। अच्छा, वॉशरूम वगैरह के लिए? अच्छा 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 अच्छा, वैसे तो यूज नहीं कर सकते ना नदी में? हाँ, नदी कुछ लिखा हुआ है, पानी भी साफ है ना? हाँ, साफ सुथरा पानी है। वैसे इस तरह के कोटेज मिल जाते हैं, लोकेशन शानदार है, रूम्स अच्छे हैं। अब हम आपको ऑरेंज वाला रूम दिखाएंगे। इस वाले रूम को हमने खुलवा लिया है, इसके लिए जो रेंट है वो 200 रुपये पे करना होता है। हमें भाई अंदर लेके जा रहे हैं। ये रूम पूरी तरह से बम्बू से बना हुआ है, साथ ही यहाँ पे 2 डबल बेड डाले हुए हैं, ऊपर एक पंखा भी लगाया हुआ है और यहाँ पे चार्जिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था है। काफ़ी अच्छा वेल डेकोरेटेड ये रूम है
और काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ का, हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है ताकि पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम इसका टॉयलेट भी आपको दिखा देते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेसियस टॉयलेट है और आप आराम से यहाँ पर अपना डेली रूटीन कर सकते हैं। वैसे तो एक दिन की यात्रा ही काफ़ी है सदपुल के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग लॉन्ग स्टे लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी ये क्षेत्र जन्नत के समान है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये रूम है और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके इसको रखा गया है। ये रिवर वैली का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज सभी तरह की डिशेस मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छे से ये सर्विस करते हैं, साथ ही खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। क्योंकि जो पैसेंजर थे उनसे मैंने बात की थी तो खाने को लेकर उनकी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, साथ ही उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। केवल टॉयलेट बाथरूम में जो पानी की सप्लाई है वो ठीक नहीं थी और इस तरह की लोकेशंस पे इस तरह की समस्या तो हो ही जाती हैं, इसलिए उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने एक बार और पनीर पराठा विद चाय ऑर्डर कर दिया है। दोस्तों मैं अपनी गाड़ी से यहाँ पे पहुँचा था, ये जो सामने आपको वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है यही है हमारी योन कार और यहाँ आप बहती हुई नदी को देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। साथ ही यहाँ पर आप नदी के साइड में रखे हुए टेबल कुर्सियों को देख सकते हैं जो कि इस क्षेत्र की सुंदरता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ये जो नदी गुजर रही है काफ़ी साफ़ सुथरा इसका पानी है और काफ़ी मेंटेन पूरे एरिए को रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सुबह सुबह का भी टाइम है इसलिए सारे के सारे पर्यटक अपने रूम में सो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है रिवा कैंप, पीछे आप हट देख सकते हैं। इन हट के लिए आपको 1500 रुपये पे करने होंगे और यहाँ की लोकेशन की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार लोकेशन है। यहाँ से हमें साधुपुल का और बहती हुई नदी का बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारे देख पाएंगे और आपकी यात्रा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आकर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस एरिया को कवर करते हैं और आपको कम्प्लीट जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों साधुपुल में ये जो आप नदी देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा साफ पानी की नदी है, इसका नाम है अश्विनी नदी। अगर आप शिमला जाकर पक चुके हैं और आप एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जो कि चंडीगढ़ के नज़दीक हो तो आप यहां पर आ सकते हैं। ये सोलन से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप शिमला में हैं तो शिमला से इसकी दूरी है 34 किलोमीटर, अगर आप चैल में हैं तो चैल से इसकी दूरी है 12 किलोमीटर। यहां पर पर्यटकों के ठहरने के लिए बहुत बेहतरीन कैंपिंग की सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर टेम्परेरी कैंप्स हैं और पीछे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो कि झोपड़ी नुमा है और यहाँ से आपको साधुपुल के बहुत ही ज़्यादा उम्दा नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहती हुई अश्विनी नदी आपके इस सफ़र को बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देती है। आप यहाँ आइए, पानी में पाँव डालकर बैठिए, सच में ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसका कोई सानी नहीं। साधुपुल गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा फेमस रहता है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। अब मैं आपको इस कैंप के अंदर का दृश्य दिखा देता हूँ, किस तरीके का ये कैंप है, इसके क्या प्राइजेज़ हैं, ये सारी बातें अपने इस वीडियो में हम अब देखेंगे। तो चलिए, भाई साहब ने कैंप को खोल दिया है और अब हम इस कैंप के अंदर चलते हैं। ये कैंप आप देख सकते हैं पूरी तरह से टेम्परेरी स्ट्रक्चर है लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर की तरह इसको बनाया गया है। डबल बेड की इसमें व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी दिया गया है, पंखा लाइट वाइटिंग सब कुछ है, टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वैसे तो जब आप यहाँ आएंगे आपको 1500 रुपये बोले जाएंगे लेकिन 1000 रुपये में ये वाला कैंप आपको मिल जाएगा। ये है रिवा कैंप और आप देख सकते हैं जैसे ही आप हट से बाहर निकलेंगे आपको इतना बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पे 6-7 हट हैं जो कि टेम्परेरी हैं और इसके पीछे 8-10 हट हैं जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर हैं। मैंने भी जब यहाँ पे सफ़र किया था तो मैं भी पीछे वाले जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं इसमें मैंने रूम लिया था। ये आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है और इस तरह यहाँ पे येल्लो कलर की बहुत प्यारी प्यारी हट्स हैं। इसी हट को मैंने हायर किया था और इसके लिए मैंने 1200 रुपये दिए थे। इसका चेक इन टाइम है 12 बजे और चेकआउट टाइम है
अगले दिन 12 बजे, लेकिन मैं दोस्तों अगले दिन सुबह 8 बजे ही चेकआउट हो गया था। आप देख सकते हैं मेरी सामने गाड़ी पार्क है, यहाँ पर बहुत विशाल पार्किंग है और आप आराम से अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, किसी तरह की कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जो आपको ब्यूटीफुल नज़ारे मिलते हैं उसका कोई सानी नहीं, और शिमला से बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आके होने वाला है, और आप इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिप है ही इतनी शानदार। एक बार अगर आपने इस ट्रिप को कर लिया तो फिर आप हमेशा इस ट्रिप को याद करने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको अपने रूम के अंदर लेके चलता हूँ और आपको अपना रूम अंदर से दिखाता हूँ। अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है और अब हम अपनी हट के अंदर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही आप घुसते हैं आपको इस तरह 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था दिख जाती है। डबल बेड है, दीवान है, साथ ही बिजली का कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है और साफ़ सुथरे टॉयलेट बाथरूम है। इस तरह यहाँ पर पर्यटकों की सुविधाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, साथ ही इसमें एक पंखा भी लगाया गया है ताकि अगर किसी को गर्मी फील हो तो वो पंखा चला कर बैठ जाए। वैसे यहाँ का जो मौसम है इतना ज़्यादा प्लेजेंट होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है पंखे वगैरह की, आपको अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं काफ़ी अच्छा फील कराती हैं और लगता है कि यार हमने सच में एक बेहतरीन सफ़र किया है। तो अगर आप शिमला जा रहे हैं और आप एक अच्छा प्लेस खोज रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। साधुपुल नाम की ये जगह काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ से आप चायल और पैराग्लाइडिंग के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप चायल के और पैराग्लाइडिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।